बिल्कुल, आज मैंने प्लान किया कि रोज़ तो मैं नॉन रास्ते में घूमते रहता हूँ, आज किसी अननोन रास्ते पर घूमा जाए। तो ये देखिए अननोन रास्ता है, ये रास्ता है एमबी वैली और तामनी घाट को जोड़ते हुए, बिल्कुल वीरान सा जगह है, एक स्पिरिचुअल आश्रम बीच में मिलता है। और इस रास्ते में दूर दूर तक कोई भी पॉपुलेशन मुझे दिखाई नहीं पड़ा है, सिर्फ दो गांव छोड़कर। तो मैं सिंह ट्रेवल ब्लॉगर आज अकेले ही चल पड़ा पुणे से, और ये रास्ता मुलसी तामनी घाट गलत पुणे हिंजेवाड़ी फेज 3 पॉड रोड, देन उसके मुलसी फिर तामनी घाट, सारे रोड टूटे हुए हैं और बन रहे हैं। मैंने कहा कि रिव्यू मैंने पढ़ा कि रोड बड़े टूटे हुए हैं, मैं कहा चलो आज यही एडवेंचर किया जाए, और इसीलिए एडवेंचर करके अकेले ही निकल पड़ा। अभी ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और मुझे 1 घंटा लगेगा मुझे जाने में टाइगर पॉइंट, और वहाँ से लौटने मुझे और 2 घंटे लगेंगे। टोटल ये रन 200-250 किलोमीटर का होगा। अब देखिए कितने अच्छे पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, ब्यूटीफुल माउंटेन। आफ्टर मानसून सारे फूल खिले हुए हैं चारों साइड, सारे फूल खिले हुए हैं। ये जंगली वीड्स हैं, जंगली पीले पीले फूल हैं, पहाड़ों की चोटियां हैं, दूर दूर तक घास का मैदान है। एक्चुअली हिंदुस्तान में कुछ चीज़ को टूरिज्म किया जाए, प्रमोट करते हैं लोग, वहीं दौड़ लगा देते हैं, जबकि बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहाँ कोई जाता ही नहीं है। मैं काफ़ी चलते रहता हूँ और मुझे काफ़ी चलने का अनुभव भी है। लेकिन उन्हीं जगहों पर टूरिस्ट को लोग लाता है जहाँ वो जाना चाहता है, टीवी के माध्यम से जहाँ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चारों साइड पीले पीले फूल बने हुए हैं, पीले फूल दूर दूर तक कुछ है। मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट जा चुका हूँ, नॉर्थ करीकोरी में घूम चुका हूँ, मुझे कहीं ऐसी अच्छी जगह नज़र नहीं है, बिल्कुल शांत। मैं देखिए 3 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिखाई पड़ रहा है? एक भी आदमी है आगे पीछे? तो मैं कोई चैनल सब्सक्राइब करके पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, और मैं घूमता रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ लोग घूमें। मेरे उम्र में लोग घर में बैठकर डॉक्टर का इंतज़ार करते रहता है, या बहू बेटे का कि घर घूमने बाहर ले जाए, बट मैं इस उम्र में घूमता हूँ और जी रहा हूँ, और देखा जाएगा। एटलीस्ट द लाइफ इज ब्यूटीफुल एडवेंचरिंग इन दिस ब्यूटीफुल माउंटेन। मैं दूर दूर तक ये खूबसूरती दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए खूबसूरती, कैसी खूबसूरती चारों साइड है। और ऐसा मैं करीब करीब ऐसे रास्ते में करीब है करीब मैं 2-1.5 घंटे से चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 60 नहीं 50 किलोमीटर मैं ऐसे ही रास्ते पर चल रहा हूँ, खूबसूरत रास्ते पर, जिसको जंगल सफारी भी आप बोल सकते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरती है, कैमरा उतना अच्छा नहीं है और सूर्य की किरणों में काला होता जा रहा है, फिर भी इस डायरेक्शन में दिखला रहा हूँ आपको, इस डायरेक्शन में देखिए आप जगह को, कैसी अद्भुत जगह है, काफ़ी अच्छी जगह लग रही होगी आपको, बहुत अच्छी है। मेरे पास कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है तो इसीलिए मैं इसको एक्सटर्नली ऐसे बोल रहा हूँ। ये देखिए मेरी अवेंजर 220 खड़ी है, अच्छी बाइक है, लोग रिव्यू करते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि इसका रिव्यू कर ही दूँ, अवेंजर 220 का। ये देखिए मेरे सर पर सूर्य चमक रहा है, अब मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाह रहा हूँ। रास्ता काफ़ी अच्छा है, फिर भी निकलना ठीक रहेगा।
और आगे और मैं इसी तरह का बताना चाहूँगा कि आप लोग घूम आप लोग चलें फिरें और घूमें। वैसे जो भी हो, YouTube ने कुछ तो आप मेरे से आदमी को जीना सिखा दिया। मेरा YouTube में डालने का ये मतलब नहीं है कि कोई ख़ास बात हो, ज़्यादा नाम हो। मैं तो अपने मेमोरी को रिटेन करने के लिए रख देता हूँ कि जब कभी दिल उदास हो और बुढ़ापा हावी हो जाए तो मैं देख कर दिल को खुश कर लूँ, चलो हमने भी अच्छी ज़िंदगी जी। और कोई पर्पस नहीं है एट दिस एज 62 प्लस और 63 वर्ट पर, तो उसे खुशी दे देती है, इसलिए रिस्क ले रहा हूँ। एंड एवरीबडी इज वर्किंग नाउ इट इज हु विल गिव यू टाइम, तो आई थॉट कि आई हैव टू मेक ए करेज एंड लिव अलोन एंड ऑल्सो वॉक अलोन और मेक द एडवेंचर अलोन। एक्चुअली वीकेंड दे आर यंगेस्टर बट दे डोंट डेयर टू कम आउट वेंचर आउट इन दिस रिमोट इलाज, दे फाइंड अ लॉट ऑफ रिस्क मटेरियल। चलिए अच्छा है, यूट्यूब ने हमें भी एक थोड़ी सी पहचान दे दी है, कुछ लोग जानने वाले हैं वो पहचान लेते हैं, अब आगे की ओर रास्ता बढ़ाया जाए। एक सुंदर वाटर स्ट्रीम रास्ते मिल गया, मैं रुक गया, इसमें जल्दी निकल जाना चाहिए। ये इलाका में फिर ब्लैक पैंथर वगैरह भी हैं, रिस्क लेने में मज़ा भी आता है। आप देखिए रास्ते की खूबसूरती, ग्रास लैंड, दूर दूर ग्रास। अभी शायद कहीं इस कोंकण में बहुत कम जगह झरने दिखाई पड़े और पानी दिखाई पड़ेगा, वाटर स्ट्रीम। और देखिए यहाँ वाटर स्ट्रीम है, और देखिए ये वाटर स्ट्रीम, हर जगह वाटर स्ट्रीम अभी भी चल रहा है। मानसून रिट्रीट कर गया लेकिन वाटर बारिश है अभी, तो थोड़ी बहुत बारिश आया होती होगी। और देखिए कैसे दूर दूर तक घास के जंगल हैं, बिल्कुल इतना खूबसूरत, बस लगता है यहीं रुक गया आदमी, पता नहीं झोपड़ी बनी हुई है, सब किसान की कोई झोपड़ी वगैरह भी है, किसान की झोपड़ी कोई नज़र आ रही है। तो पर्वत श्रृंखलाएँ बिल्कुल वीरान, रिस्क है, बहुत रिस्क है, गाड़ी बंद हो जाए क्या होगा पता नहीं। यहाँ से लोनावाला जो टाइगर पॉइंट, यहाँ आदमी कुछ दिखाई पड़ते हैं, 25 किलोमीटर दूर है। ऐसे रास्ते में रिस्क होता है, तो इस सोच के चलना है, शायद बाइक को ठेलना भी पड़ जाए 10-20 किलोमीटर शायद गलती से। कितनी ज़्यादा बटरफ्लाई उड़ रही है, देखिए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई देखिए, बटरफ्लाई उड़ रही है। इन रास्तों में समय कम पड़ जाएगा इसलिए मैं निकलता हूँ। और आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, बिल्कुल झरने की आवाज़, ये कितनी सुंदर आवाज़ है। मुझे अजीब लगे, बड़े सुंदर, देखिए पहाड़ की श्रृंखला, पहाड़ की चोटी को मैं सोचता हूँ कैच कर लूँ। लग रहा है कोई जुड़वा भाई बहन है, या पूरी फैमिली पहाड़ों की लग रही है। एज यूजुअल ग्रीनरी चारों साइड, शाम ढलने वाली है, मैं जल्दी निकलना चाह रहा हूँ। अनजान रास्ता, देखिए रास्ता कितना अनजान है, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी इन अनजान रास्तों पर चलने की और आज पूरी हो गई। इनका फोटो आया है, हाय, ये तुम्हारे फोटो बगान आया ना, ये हमारे भाऊ है। तो ऐसी जगह आना है तो पूना छोड़ना होगा और इन रास्तों पर आना पड़ेगा, तब मिलेगा आ जगह, नहीं तो यहाँ आदमी बिना थोड़ा खाए भी खुश रहेगा। मैं बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था
कि मैं ऐसे रास्ते पर आऊं जहां की सिविलाइजेशन बहुत कम हो और मज़ा आ जाए, इसीलिए और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो एक बार फिर मैं आपको, मैं जैसा बोलता हूं कि सिंह ट्रेवल ब्लॉगर मीन्स अनजान रास्ते, अनजान जगह जहां बहुत कम लोग जाते हैं और वहां मुझे अच्छा लगता है, और इसलिए मैं आ गया। मैं अपने फ्लैट पिंपली सौदागर से हिंजेवाड़ी फेज थ्री, टूटा हुआ रोड अभी है, काफ़ी रोड टूटे हुए हैं, और हिंजेवाड़ी से आप होते हुए पौड आ जाइए, पौड आते हुए और तामनी घाट का रास्ता होते हुए आगे बढ़ते जाइए मुलसी, फिर वो रास्ते में आगे बढ़िएगा तो लोनावाला दिखाई पड़ेगा, और लोनावाला वो लंबा रास्ता है, और तो रास्ते में बहुत कम लोग आते जाते हैं, गांव वालों का रास्ता है, दो चार तीन चार गांव हैं बस। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वो गाँव वालों का है कुछ रास्ता, कुछ गाँव वाले दिखलाई भी पड़े, तो इसीलिए मैं इन रास्तों पर आ गया और मुझे अच्छा लगा, और मैं आप इसलिए आपको एक बार रास्तों को दिखला रहा हूँ। आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको जी मैक आश्रम के एड स्टॉप में ये रास्ता मिल जाएगा, वो मैं ये डिटेल में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा रास्ता पर। शाम ढलने वाली है, शाम ढल रही है, तो मैं रुकने जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इस स्पॉट पर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और बाद में आपको बाद में और वीडियो क्लिप को मैं जोड़ कर सारे डिटेल दिखाता रहूँगा। सारे रास्ते ऐसे ही हैं, चलता ही रहेगा, सारे रास्ते ऐसे हैं, सारे अच्छा ही हैं, कोई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा है, शहर के भीड़ भाड़ से यहाँ ज़िंदगी ऐसे ही 10 साल बढ़ जाए, यहाँ ज़िंदगी में कोई भागा भागी नहीं। देखिए कितना अच्छा रास्ता है, और इन रास्तों पर मैं निकलता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जाऊँगा, और बढ़ते बढ़ते मैं टाइगर पॉइंट की ओर जाऊँगा, टाइगर पॉइंट से फिर सिविलाइजेशन शुरू हो जाएगा, वही भाग दौड़ और एस्टेब्लिश टूरिस्ट स्पॉट, वहाँ से मैं सीधा अपने फ्लैट पुणे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम सिविलाइजेशन के आसपास आ गए, ये लोनावाला एम बी वैली, ये गेटेड सिटी, एम बी वैली नाम आपने सुना होगा, एम बी वैली का ज़रूर नाम सुना होगा। मैं इधर से आया था, यहाँ से आप करीब 60 किलोमीटर तक जो जगह है वो बिल्कुल फुल ऑफ नेचर है, कोई सिविलाइजेशन प्रैक्टिकली नहीं है। मैं समझता हूँ अगर बीच बीच मोबाइल कनेक्शन भी करीब आउट है, मैं 230 चला था, और इस तरह से यात्रा का अंत हो रहा है। सूरज ढलने वाला है, देखिए सूरज ढल जाएगा, सनसेट होने वाला है, अब सनसेट हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा, अब मैं आगे की ओर निकलता हूँ। अब मैं डायरेक्ट मोड में आपको दिखला रहा हूँ जगह, जिससे आपको आने में तकलीफ कभी नहीं होगी। देखिए साइन बोर्ड दिखलाई पड़ रहा है, इस रोड से मैं आया था, मूल तामनी घाट गूगल में दिखाई पड़ जाएगा। ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है एम बी वैली, जहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टारों का घर है, शाहरुख खान से लेके सब कुछ बड़े लोगों का, और ये चला जाएगा लोनावाला। इस साइन बोर्ड में आपको दिखला दूं, ये देखिए साइन बोर्ड, बड़ी खूबसूरत जगह है चारों साइड, आगे तुंग फोर्ट है, ये देखिए लोनावाला, एमी वैली, मैं आगे की ओर निकल रहा हूँ। बड़ी अच्छी जगह, भी जगह बड़ी अच्छी है, बहुत खूबसूरत जगह, देख रहे हैं आप कितना बढ़िया, छोटे छोटे होटल वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरह से मैं वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूँ, अंधेरा होने वाला है, तो आप अगर अप्रिसिएट करेंगे तो अच्छा लगेगा, लाइक करेंगे अच्छा लगेगा, इम्प्रूवमेंट तो है, काफ़ी स्कोप है, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऐसे से आपको जगहों का मिलता रहेगा, वीरान जगहों का मिलता रहेगा जहाँ कम लोग आते हैं, और अब एडवेंचरस है तो आइए, अच्छा लगेगा, और घूमने को उम्र नहीं होती है। इस तरह से वीडियो बंद कर रहा हूँ, सिंह ट्रेवल ब्लॉगर से नमस्कार, थैंक यू।